बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तमाम सुनने और देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है समान इकबाल और मेरे साथ है चुप। ओ सलमान, मेरा नाम है मुदस्सिर और मैं हूँ आज सलमान के साथ और चुप करके इन्होंने मुझे आज बुलाया है। जी जनाब, तो आज हम जो है बात करेंगे इकरारुल हसन और पीर हक खतीब का जो टाकरा चल रहा है और जो एक हवा फैली हुई है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो टाकरा होने वाला है, उसके पर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, आज जो है इकरारुल हसन ने चैलेंज दिया है और जो चैलेंज अरेंज करने लगे उनका नाम अवैस रब्बानी साहब। उन्होंने जो है 14 फरवरी की डेट रखी है और उन्होंने इनका टाकरा अरेंज करने का बंदोबस्त किया है। जी सलमान, दोनों ही जो है वो दोनों की बहुत ज्यादा जो है वो फैन फॉलोइंग है। अगर आप इकरारुल हसन को देखें तो उनके भी बहुत सारे चाहने वाले हैं और अगर हम पीर हक खतीब की वीडियो देखें तो उनके भी बेशुमार जो है वो मरीज है और कहना उनका यह है कि वो शुभ शुभ करके जो है वो लोगों को ठीक कर देते हैं। बिल्कुल सलमान, मुझे तो आजकल के दौर में मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी। टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज उनकी वीडियोस में क्लियर नजर आ रहा होता है। मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है कि किस तरह की वीडियो बनी है, फेक है। और वही काम आज इकरारुल हसन ने किया। इकरारुल हसन बहुत अरसे से जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, फेक पीरों को वो जो है वो शो करते हैं, बेनकाब करते हैं उनको। बिल्कुल, बहुत सारे लोग उन्हें कहते थे कि आप जो है वो पीर हक खतीब के ऊपर जो है वो क्यों नहीं जो है वो वीडियो बनाते, तो उन्होंने जो है वो कहते हैं कि मैंने पहले जो है वो बहुत सारी इसके ऊपर वर्किंग की, अपना इनिशियल होमवर्क किया, उसके बाद जो है वो हम जो है वो इनको बेनकाब करेंगे। तो इसी सिलसिले में आइए देखते हैं ये वीडियो, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह जो है वो इकरारुल हसन वो स्टंट कर रहे हैं जो पीर खतीब साहब भी करते हैं। बिल्कुल, अभी हम वीडियो प्ले करने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीर साहब भी करते हैं और इकरारुल हसन साहब अपने आप को पीर साहब क्लेम करके उसी स्टंट्स को दोबारा दिखा रहे हैं। चले इकरारुल हसन साहब जी। इकरारुल हसन साहब बड़े पीर हैं, इन्होंने तो उनसे भी ज्यादा चीजें निकाली हैं। लेकिन इसमें सवाल ये होता है कि मुंह में देखें सुइयां, इतनी ज्यादा सुइयां रखना भी कितना डेंजरस हो सकता है। अब ये ट्रिक किस तरह की है, ये जो है वो कमाल है। सलमान, ये असल में स्टंट्स होते हैं। असल में उन्होंने बड़े तरीके से जो भी ये चीजें रखी होती हैं, बड़े तरीके से इन कॉर्नर्स में वो सेट करके रखते हैं। हम देखेंगे अगर गौर से अगर देखेंगे जुबान से ऐसा ही है। तो ये दोनों जो है वो कहते हैं जी कि हम आपस में जो है वो टाकरा करेंगे और पी वो अवैस रुबानी साहब जो है वो इन दोनों का जो है वो एक दिन मुकर्रर कर रहे हैं, 14 फरवरी उन्होंने जो है वो टाइम रखा है, जिसमें 14 फरवरी को वैसे तो वैलेंटाइंस डे होता है, मेरे ख्याल से पीरों का भी आज इस दफा कोई वैलेंटाइंस डे मनाना है इकरार साहब। अच्छा, उसके ऊपर इकरार साहब की वीडियो आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मुदस्सिर के उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे लेकिन वो इस शर्त के ऊपर उनके आस्थाने पे जाएंगे कि वहां पे वो लाइव इसकी जो है वो कवरेज करेंगे, जो भी वो स्टंट करेंगे उसकी लाइव, जो भी वो दम करते हैं, हम तो उनके उसको स्टंट नहीं कहेंगे, दम कहेंगे, वो जो दम करते हैं। मैं तो इसको स्टंट ही कहूंगा। ये तो आप बेनकाब होंगे तो पता चलेगा ना कि कौन जो है वो हक है में है और या कौन जो है वो। वैसे मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि वो खतीब साहब जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो कोई ना कोई भागने का रास्ता इसमें से निकालेंगे, क्योंकि वो बेनकाब नहीं होना चाहते और उनके बहुत सारे हमारे माशाल्लाह बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो उसका बड़ा अच्छा यूज कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इकरार साहब ने मैं आपको बता रहा था ये कहा है कि वो 14 तारीख को जो है वहां जाएंगे लेकिन ये जो भी होगा ये सब कुछ लाइव होगा, या तो वो पीर साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से या जो भी उनका सिलसिला है ऑनलाइन का उसे, या फिर इकरारुल हसन का जो भी इनका प्लेटफॉर्म है उससे जो है वो लाइव लेकिन सब कुछ होगा। और उसकी दूसरी चीज उन्होंने कही है कि उनको अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है लेकिन उनकी जो टीम जो ये स्टंट करेगी या उनका जो अमला होगा उसको गारंटी दें कि वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये दो जो है वो बातें जो है इनके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा है, अगर ये चीजें होंगी तो मैं जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब चल के देखते हैं हम पीर साहब की कुछ करामात। जग सारा तू भी बला
चलते हैं फोन तो छोड़ देंगे। अच्छा जी, तो ये थी पीर साहब की करामात। अब हम सलमान ऐसा कुछ करते हैं, लोगों ने ना इस पे बहुत सारी मीम्स भी बनाई है क्योंकि करामात थी इस तरह की, तो चले कुछ मीम्स देखते हैं और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये ऑनलाइन काम हो रहा है। बहुत कार्टून लटका के छटका के चलती है भटका के ध्यान। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहन लो। ओके जी, तो ये थी आज की वीडियो इकरार हसन और अक्षतीप के दरमियान जो टकरा है उसके हवाले से। अब देखना ये है कि 14 फरवरी को क्या ये दोनों इकट्ठे हो पाते हैं और ये टकरा हो पाएगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल से अक्षतीप साहब कोई ना कोई वे आउट निकाल लेंगे और वो इस टकरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा ये ख्याल है। लेट्स सी, अगर वो 14 फरवरी को टकरे में मौजूद हुए तो इंशाल्लाह हम एक वीडियो के साथ आते रहेंगे। अभी तक के लिए हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।